पहले आदित्य मेरे को बड़ौदा दौड़ाती थी, अब इंदौर हुई, कहीं ना कहीं लगा रहता है इसका। क्या यार आदित्य, तो हॉस्पिटल होने दौड़ाया करती कि अच्छी जगह चल घुमाने ले जाए तो काम की बात है। इंदौर जब भी आते हैं सिर्फ हॉस्पिटल हॉस्पिटल के लिए आते हैं। गया ना? नाक में नहीं पता चल रहा है। गया ना? अब गया? हाँ भाई, तेरी माँ के घर जा रही भाई, तू अब क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक रात की बात। हाँ भाई जा, भाई जा, मैं तेरी जुदाई का गम सह लूंगा। अच्छा हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो फिर अभी सुबह सुबह की 7:50 हो रहे और फिलहाल अभी हम जा रहे थे इंदौर, वही बोरिंग बोरिंग सा वीडियो, फिर भी इसको बोरिंग नहीं होने देंगे, कुछ अच्छा तो कर ही देंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। फिलहाल अभी आज का मौसम पूरा ठंडा ठंडा सा अच्छा लग रहा है। अदिति तो उसकी मम्मी के घर पे है और विदित भी उसकी मम्मी घर है, तो उन दोनों को वहीं से बिठाना है मेरे को। और मेरा अद्विक यहाँ पे, देखो ये रहा, वो यहाँ रहेगा और उसके मामा उसको स्कूल छोड़ने जाएंगे। सर जल्दी तो आओ, अरे सर जल्दी आओ, मेरे को 8 बजे तक निकलना है, स्टेशन है हमारा विक्टोरिया स्टेशन लंदन। गुड मॉर्निंग कर दो सबको पहले, तो फटाफट एकदम स्पीड के साथ में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ओ सॉरी भाई सॉरी, चलो चलो, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ए आप पापा पे हाथ उठाया ना तो गंदी बात होती है, सब जनता ऐसे गड्ढे कर लेंगे, फिर कोई बात भी नहीं करेगा। आप पापा को गलती से मार देते, पापा आपको मारते हैं क्या? मैंने तो आपको प्यार कर रहा था, गलती से हाथ लग गया आपको, गंदे बच्चे बेटा आप। ये धीरे धीरे गंदा होते रहा, मारता है हमको धीरे धीरे से, अब इसे इकट्ठे कर लेंगे फिर हम। गंदा बच्चा जाके सोने भी लग गया ए? दो दो पलंग पे सोएगा एक साथ, आधा उधर आधा इधर। मम्मी इधर खाना बना रहे हैं, अपन बॉटल भरते हुए चलते हैं यहाँ से। आलू सब्जी बना देना, मम्मी इसको अच्छे से पेट भर के खा लेगा वो। आलू सब्जी बनाओगे ना उसके लिए? हे भगवान। तो सबसे पहले तो अभी जा रहा हूँ मैं अदिति को लेने के लिए, उधर से उनको उठाते हैं और फिर गाड़ी में डीजल भी नहीं है, डीजल भरवाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। कल मौसम कितना प्यारा प्यारा सा हो रहा है, धुंध धुंध से लग रही है हल्की हल्की सी, और अभी तो बारिश भी हुई थी कल, शायद हाँ कल ही बारिश हुई थी, कितनी बारिश हुई इसका नहीं पता, पर बारिश हुई थी जब हम सोए थे, जब से धुंध धुंध लग रही है यहाँ पे। तो लोग यहाँ पे गाड़ी खड़ के इनका इंतजार करते हैं। भैया क्यों लो लिए? भैया तू क्यों लो लिए? इधर इधर विदित, पापा इधर इधर इधर, हाँ इधर है आपके पापा। हाँ हाँ विदित, चुप हो जाओ, रोना नहीं, खाली पेट है ना इस वजह से। कुछ खाया नहीं तूने? तू कुछ खाया नहीं? दाल थोली तो खा लेती देवी, कुछ खा लेना था तो पेट दुखता, खाली पेट भी दुखता है पेट। अब तेले गाड़ी में रसगुल्ले का डब्बा लाओ क्या? माजा ले लोगा, माजा पी लेना है ना, मीठी मीठी। क्यों विदित, तू कहाँ पिएगा खाएगा बता मेरे को, जल्दी जल्दी बता दे पुप्पू। इसकी आँख आज भी पेक हुई थी, दोनों की एक आज तो दोनों बंदी, अच्छा एक कल हुई थी दोनों, उसको साफ कर दिखे। हाँ नहीं लेगी बेटा, तेरे को नहीं लेगी वो, बोले हमको ब्लॉग में ले लो, ले लिया, चलो निकलते। इसको देख के तो सच्ची बोल रहा प्यार आता है, आपको आता है या नहीं आता बताने में कमेंट में। बस इसकी केयर नहीं करते हम, थोड़ी सी साफ करने की, गंदी हो जाती बार बार। लो 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 लो, अब बैठो पापा, इसमें बैठते ऐसा लगता है टैंकर में बैठ रही थी, लड़ाई करने जाते टैंकर में बैठते कि नहीं, धीरे से घुसते जैसे तैसे करके ऐसा लगता है। तो फिलहाल अभी 8:20 हो रहे हैं, अभी हम निकल गए और देखो कैसा किसे बेचारे मेहनत करते हैं, गाड़ी से वो एक छोटा सा ठेला बना लिया, उस पर सब्जी भाजी लेके जा रहे हैं। चलो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, सबसे पहले डीजल भरवाएंगे फिर यहाँ से सीधे इंदौर। कितना अच्छा मौसम लग रहा है, हाँ कर दो बस सीट के नीचे, कैसी गई? सूक्ष्म रूप धरि सी लगी दिखावा,
पप्पू तीनी आंखें खुन गई एचा इट इज ओ गुड मॉर्निंग हो गई मेरी नन्ना मुन्ना की हो गई भैया काट ले लेचका दूध देते। हे गाइस तो फिलहाल अभी जाम गेट तक आ गए थे, सॉरी जाम गेट नहीं, जाम गेट वाले रास्ते पे लग गए और फिलहाल यहाँ से भी डेढ़ घंटा बता रहा है। फिलहाल विजित फीडिंग कर रहा है, यहाँ पे देखो ना ऐसे धुंध लग रही है, मस्त मजा आता है इधर आ से आने में। तो हे गाइस तो फिलहाल यहाँ से ट्रेन निकलेगी, अभी कैसी ट्रेन निकलती क्या निकलती क्या पता भाई, बस आएगी अभी ट्रेन आएगी, ठहरी है स्टॉप। विजित इधर से हाँ इधर देख इधर आएगी आएगी, खड़ा कर मैं चलूँगा, खड़ा कर आएगी ट्रेन विदी ट्रेन, हाँ ट्रेन आएगी आएगी, टेंशन मत ले आ लिए, कैसी ट्रेन है हम भी ठंडे पड़ रहे। डॉक्टर भी तेरे को बोलता है कि चिकित्सा चिल्लाता है तू, मेले बोले नाथ को हाथ मत लगाए तू, ये बोले नाथ मेले बोले नाथ को हाथ मत लगाए, चल दूर नाया करा ही नहीं फुसान दे, हट विदी, उसको नहीं बोला नहीं तो अब तो ज्यादा अच्छा करेगा, बैठ जा उसकी आवाज ही चुगुन जा करती सब देख देख पर हाथ मत लगाना, देख पर हाथ मत लगाए नहीं विदित ट्रेन आई ट्रेन विदित ट्रेन आई विदित ट्रेन ट्रेन खड़ा कर देखना ट्रेन आएगी वो आई इधर से पप्पू इधर 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 से आएगी देख पप्पू इधर से सवारी तो कोई देखी नहीं रही पप्पू ट्रेन ट्रेन देखी तूने पहली बार ट्रेन ये सोचता है कि इतनी बड़ी खत्म ही नहीं हो रही है छोटी सी थी यार चलो अपन भी चले अब अपनी ट्रेन चलेगी। हे गाइस तो फिलहाल ये हॉस्पिटल में पहुंच गए फिलहाल तेरी पप्पू ए मेला पप्पू इसके नाना नानी इसको नारियल पानी पिएगा इसके नाना नानी इसको हॉस्पिटल के बाहर ही घुमाएंगे फिलहाल अदिति और हम हॉस्पिटल में जाएंगे चलो चल पहलवान चल श्रीदेवी चल चल श्रीदेवी चल चल श्रीदेवी चल श्रीदेवी चल फिलहाल अदिति का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अदिति पास में ही रहूँगा ना अब ऊपर क्या यार अदिति तो हॉस्पिटल होने दौड़ाया करती कि अच्छी जगह चल घुमाने ले जाए तो काम की बात है तो तू लेके आती तो हम लेके आते भाई इंदौर जब भी आते सिर्फ हॉस्पिटल हॉस्पिटल के लिए आते कभी अच्छे काम के लिए लेके आ मेरे को लाइफ में पहली बार आए थे इंदौर वो भी न्यू ईयर के दिन बस उस दिन भी हॉस्पिटल हॉस्पिटल बोल रही थी बोला नहीं आज हॉस्पिटल नहीं गई बोल रही थी तो कुछ ना कुछ हॉस्पिटल का हाँ तो वही मैंने बोला ये काम करवाना ही नहीं हमको भाई पहले आती थी मेरे को बड़ौदा दौड़ाती थी अब इंदौर वही कहीं ना कहीं लगा रहता है ऐसा बड़े से बड़े लोगों ने देखो रेंज रोवर बीच में खड़ी करके चले गया वो पूरा ट्रैफिक लग रहा है वाह भाई रेंज रोवर को बीच रोड पे एकदम बीच रोड पे हे गाइस तो फिलहाल भी अदिति को दिखा दिया है सब कुछ हो गया वो फ्री भी हो गया अभी हम अभी सिर्फ आपको जाना है अदिति के जो मामा थे ना मामा जी उनका एक्सीडेंट हो गया था तो पैर की हड्डी टूटी हुई तो उनसे मिलने जाना है हमको लगा रहे हे गाइस तो फिलहाल भी मामा से मिल के आ गए पर अदिति को ना घबराहट सी हो रही है साथ में चक्कर भी आ रहे सब कुछ हो रहा है सिर दर्द हो रहा है तो फिलहाल अदिति स्प्रे मार रही है नाक में अभी राहत मिल जाएगी तेरे को है ना गया भी नाक में पता नहीं चल रहा गया ना नाक में नहीं पता चल रहा गया ना अब गया हाँ ला दे मैं रख दूँ आराम कर तू फेन नहीं प्रेस नहीं करूँगा ऐसे रख दूँगा लाल अभी अदिति को हमने पाइनएप्पल जूस पिलाया उसने तो पूरी उल्टी कर दी यहाँ पे फिर आखिरी में उसके लिए मेरे को रसगुल्ला जो खाती है वही ले लाना है बड़ा अब अच्छा लग रहा है ना रसगुल्ला मेरे को पता है तेरा रसगुल्ला ही अच्छा लगता है और माजा दो ही तेरी बीमारी का इलाज है दवाई होने तेरी है दोनों की दोनों ठीक है तो फिलहाल अभी यहाँ खाना खाने के लिए रुके थे गुरु कृपा में अभी खाना मना खाएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे अभी सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था कचौरी पोहे मोहे जो भी खाए थे वही चीज़ें बस चलो खाना खाते बहुत जोर से भूख लग रही है पर अदिति के हॉस्पिटल के इसमें लगे हुए थे
पिना दे अच्छे से टकले को। पुपुट लोई नहीं आई थी वहाँ पे, तू लोई नहीं? अच्छा वहाँ चलना है, कहाँ चलना है? वहाँ पे अदिति। तो फिर अभी खाना आ गया था, सॉरी खाना नहीं पापड़ आ गया था, तो पप्पू को देखो कहाँ बिठा दिया। ए खाने का देव रे, क्यों अदित दे पापड़ दे। अच्छा यार अधिक तो ऐसा ही है, अधिक खाता नहीं खा भी लेता है पप्पू। इसके लिए चेयर भी है देखो, एक नंबर चेयर, मेरे को ये चेयर एक नंबर लगती है। मेरे घर में ऐसी टेबल रहती है ना खाना खाने के लिए, तो मैं ऐसी चेयर भी लाता हूँ उसके लिए। दे अदिति। ठीक है, तो फिलहाल अदिति को यहाँ पे भी रसगुल्ला खिला रहे हम। खाओ मैडम खाओ। ठीक है, तो फिलहाल अभी खाना वाना हो गया है, अभी निकलते हैं। रख दो हमें सब साइड में, सबसे बड़ी दिक्कत बैठने की है। अदिति पूरी गाड़ी पे टेक दिया दरवाजा तूने उगाला, पापा आगे बैठ जाओ। मैंने तो रोज दिया है ना वहाँ पे रखा है ना। चलो क्या हो गया बेटा, क्या अब बोलो, अब बोलो कैमरे के सामने बोलो। मेरे को बोले दे दे। अब वो नीचे घुस गया देख। ठीक है, फिलहाल चाय पीने रुके थे, कसरावत में वाली चाय बहुत अच्छी लगती थी हमको, तो इलायची वाली चाय पी रहा बेटा। चाय चाय पी रहा है वो, भाग रहा इधर से उधर। हाँ ठीक है, तो फिलहाल अदिति पहुँच गए हम घर। चलो सीट तो करो बाबू, यहाँ से ऊँची करो, करो ऊँची करो। फिलहाल अदिति को तो आ रही है नींद। बाबू नीचे से भी करना, नीचे से नीचे से। अरे देवी इतनी ताकत लाने जरूरत नहीं, इतनी दिमाग की जरूरत होती है, तेरा दिमाग वही तो सही तो है। तो दिमाग का डॉक्टर पास ले गए थे अपन, तभी तो दिमाग नहीं चल रहा तेरा। फिलहाल हमारा पप्पू भी सो गया है, शैतान बच्चा सो गया भाई, मेरा जानू बेटा। निकाल ले भाई सामान, तेरी माँ के घर जा रही है भाई। हाँ भाई तेरी माँ के घर जा रही भाई, तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक रात की बात। हाँ भाई जा, भाई जा, मैं तेरी जुदाई का गम सहलूंगा। अच्छा चल भाई। ठीक है, तो फिलहाल 10:30 बजे घर पे आ गए थे, अभी मैं भी कर रहा हूँ वीडियो को एडिट। तो फिलहाल मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो तो छोटा सा था जैसा भी था बताने वाला, उसके अंदर अभी डॉक्टर पास गए थे, वहाँ से तो अदिति को फर्क जरा 1% का फर्क भी नहीं पड़ा। अब करे भी तो क्या करें, अभी सिर्फ एक चीज बची है जलगांव। फिलहाल जलगांव जाएंगे, सोमवार को शायद निकल जाएंगे जलगांव, तो बता दूंगा आप सभी को। जलगांव वाले कोई भी हो तो मिल, हो सके तो मिलेंगे अपन, हो सका तो मिलेंगे। हाँ पक्का नहीं बोल रहा हूँ, हो सका तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ना जलगांव, हो सका तो मिलेंगे। होटल वोटल की लोकेशन शेयर कर दूंगा, इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लेना। फिलहाल मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिस यू, हग यू, बेटी, बाय बाय, लव यू, लव यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दिया, शेयर, सब्सक्राइब, चुप कर सकते सब कुछ, बाय बाय।